ऑयल लेंगे। सब में पहले हम इसमें डालेंगे राई दाना 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और फौरन से डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। हरी मिर्च पिसी हुई 6 छोटी वाली, शुगर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये जो पहाड़ी आलू बनते हैं ना, इसके लिए मैंने 1/2 किलो आलू लिए थे, उसको छीला। छीलने के बाद मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद फिर मैंने इसको मोटा मोटा स्मैश कर लिया, मतलब मोटा मोटा अपने हाथ से तोड़ लें, हाथ अच्छी तरह साफ धो के, या जो पोटैटो मैशर आता है उससे आप मोटा मोटा, ये देखें काटे नहीं है मैंने, ये बिल्कुल कटे हुए नहीं है, ये हल्के हल्के मैंने तोड़े हैं यूं करके, ठीक है, लेकिन गले हुए होने चाहिए, जब ही तो आपको पूरी से खाने का मज़ा आएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, नमक 1 टीस्पून, और इसमें आपको मूंगफली डालनी है फ्राई करके क्रश की हुई, थोड़ी अभी डाल रही हूँ, थोड़ी ऊपर से डाल रही हूँ। आखिर में फिर आपने हरा धनिया डाला, चूल्हा बंद कर दिया, और ये बची हुई मूंगफली। गरम गरम पूड़ियाँ बनाइए और उसके साथ खाएं। पहाड़ी आलू अज्जा। आलू छिले उबले 500 ग्राम, राई 1 चाय का चम्मच, हींग 1 चुटकी, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, कटा हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप, भुनी और कुटी मूंगफली 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी मिर्च 8 अदद।